मध्य प्रदेश में गुना जिले का फतेहगढ़ बमोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों डॉक्टर स्टाफ न होने की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी डॉक्टर नर्स स्टाफ मौजूद नहीं रहता है। आए दिन मरीजों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूर दराज से आए गांव के लोग स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होकर प्राइवेट डॉक्टरों से लूट कर लौट जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन व जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन गुना CMHO व अन्य अधिकारी भी बीमार स्वास्थ्य केंद्र की इस गंभीर बीमारी का इलाज करने में असमर्थ लाचार नजर आ रहे हैं। गुना से RK शर्मा की खास रिपोर्ट। लोगों से बात करते हैं, क्या क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या है, वाटर कूलर तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। हॉस्पिटल है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है। मरीज आते हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार कर कर चले जाते हैं, बाहर मजबूरी रूट को जाने पड़ता कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पर इस अस्पताल में। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी है नहीं, शौचालय नहीं है, शौचालय भी नहीं है, उसमें भी पानी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मेंबर है यहाँ पर? पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं है? मात्रा में अस्पताल की बिल्डिंग छोड़ के अस्पताल बिल्डिंग है, इसके अलावा क्या है? गोलियां दवाइयां मिलती कि नहीं मिलती यहाँ पर? गोलियां दवाई एक दो बार आए तो स्टाफ ही नहीं मिलता, लगा हुआ है यहाँ पर लेकिन इसमें पानी नहीं आता। फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की अमेरिका जैसी तस्वीरें। ड्रेसिंग कक्ष है यहाँ पर, चारों चारों तरफ ताले लगे। ये जो हाई टेक बाथरूम बनाई गई है उसमें भी ये इस तरह से ताले लटका दिए गए हैं।